हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे मैग्नेटिक सेपरेशन। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम लोग क्या करते हैं, गैंग पार्टिकल्स को डिजायर्ड मेटल्स, मतलब गैंग पार्टिकल्स, एक ओर से गैंग पार्टिकल्स को रिमूव करते हैं। ठीक है, तो देखिए, ये एक्चुअली इसका नाम क्या है, मैग्नेटिक। इसका मतलब ये है कि जैसे मेरे पास ओर है, ठीक है, इस ओर में दो चीज़ होगा, डिजायर्ड मेटल्स और गैंग पार्टिकल्स। हो सकता है, ठीक है, ये मेथड तभी काम करेगा जब इन दोनों में से कोई एक मैग्नेटिक हो और कोई एक नॉन मैग्नेटिक हो। मतलब डिजायर्ड में, मान लो कि यहाँ पे डिजायर्ड मेटल्स मैग्नेट से चिपके और गैंग पार्टिकल्स मैग्नेट से नहीं चिपके, तो जो मैग्नेटिक होगा वो मैग्नेट से चिपकेगा और जो नॉन मैग्नेटिक होगा वो मैग्नेट से नहीं चिपकेगा। ठीक है, या फिर इसका अपोजिट आप मान सकते हो कि गैंग पार्टिकल्स मैग्नेटिक हो और डिजायर्ड मेटल्स नॉन मैग्नेटिक हो, तो उस सिचुएशन में भी हम लोग ये प्रोसेस, मैग्नेटिक सेपरेशन वाला प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं फॉर सेपरेटिंग या रिमूविंग द गैंग पार्टिकल्स फ्रॉम द ओर। तो चलिए इस टॉपिक को पूरे तरीके से, अच्छे तरीके से कवर करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला पॉइंट कि दिस प्रोसेस इज़ बेस्ड ऑन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ओर्स एंड गैंग पार्टिकल्स। ये किस चीज़ पे बेस्ड है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, किसके, ओर्स और गैंग पार्टिकल के बीच जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है उनमें डिफरेंस होना चाहिए। यानी इन दोनों में से, ओर या गैंग पार्टिकल्स में से कोई एक मैग्नेटिक होना चाहिए और दूसरा नॉन मैग्नेटिक होना चाहिए, तभी हम इस प्रोसेस को अप्लाई कर सकते हैं, मैग्नेटिक सेपरेशन के प्रोसेस को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस एक्चुअली क्या है, मैग्नेटिक सेपरेशन, क्योंकि हम लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके गैंग पार्टिकल को ओर से रिमूव कर रहे हैं। तो देखिए, इस प्रोसेस में हम लोग एक्चुअली करते क्या है, देखिए यहाँ पे एक सेटअप होता है। देखिए, ये व्हील है, ये दो व्हील हैं, इन दोनों व्हील में खासियत है, ये वाला जो व्हील है ये मैग्नेटिक है, ये देखिए मैग्नेटिक व्हील या रोलर, ठीक है, चक्का घूमने वाला, ये मैग्नेटिक रोलर है और ये जो है नॉन मैग्नेटिक रोलर है। ठीक है, और ये कन्वेयर बेल्ट है, मतलब जो पट्टी बोलते हैं, अगर आप लोग गए होंगे व्हीट मिल में जहाँ पे गेहूँ को आटे में कन्वर्ट किया जाता है, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि पट्टी लगाया हुआ रहता है, चौड़ा सा, ऐसे चौड़ा सा पट्टी लगाया हुआ रहता है, तो ये एक कन्वेयर बेल्ट है, उस पट्टी को कहते हैं कन्वेयर बेल्ट। तो ये पट्टी लगाया हुआ रहता है और दो रोलर होता है, जिसमें से एक रोलर मैग्नेटिक होता है और दूसरा रोलर नॉन मैग्नेटिक होता है, तो ये हमारा मैग्नेटिक रोलर है। देखो, जब हम इस मशीन को ऑन करेंगे तो क्या होगा, कन्वेयर बेल्ट ऐसे मूव करेगा, ठीक है, ये ऐसे ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा कन्वेयर बेल्ट, और फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ओर का पाउडर फोम डालेंगे। जब ओर का पाउडर फोम डालेंगे तो यहाँ से ओर का पाउडर फोम क्या होगा, ट्रैवल करता जाएगा जब जब ये कन्वेयर बेल्ट मूव करेगा, तो ये सारे पार्टिकल्स क्या होंगे, ऐसे मूव करते हुए आएंगे, जिनमें डिजायर्ड मेटल्स भी होगा और गैंग पार्टिकल भी होगा। अब मान लो इन, ये जो पाउडर्ड ओर है, इसमें जो हमारा ओर है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मैग्नेटिक पार्टिकल्स है और जो गैंग पार्टिकल है वो नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल है, तो ये ओर जब यहाँ से गुजरेगा, ठीक है, तो ओर वाला पार्टिकल्स क्या होगा, ऐसे चिपका हुआ रहेगा, क्योंकि ये मैग्नेटिक रोलर है तो मैग्नेट के साथ चिपक जाएगा। ठीक है, और गैंग पार्टिकल जो कि नॉन मैग्नेटिक है वो क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस, आप लोगों को पता होगा कि कोई भी चीज़ जब घूमता है तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है रेडियली आउटवर्ड, तो उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से क्या होगा, जो हमारा गैंग पार्टिकल जो कि नॉन मैग्नेटिक है वो ऐसे मूव करते हुए यहाँ कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और जो हमारा डिजायर्ड मेटल्स है, ठीक है, जो हमारा डिजायर्ड मेटल्स या ओर्स है वो एक्चुअली मैग्नेटिक पार्टिकल्स है, तो वो इस कन्वेयर बेल्ट में चिपका रहेगा इस मैग्नेटिक रोलर होने की वजह से। ठीक है, तो ऐसे चिपका हुआ रहेगा, ऐसे जाएगा, मूव करता हुआ जाएगा, ओर्स पाउडर ओर जो कि मैग्नेटिक होगा, और फिर जैसे ही कन्वेयर बेल्ट इसके सरफेस से डी अटैच होगा, तो ये जो पार्टिकल्स है जो मैग्नेटिक था वो इस रोलर्स के कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा और वो वापस से नीचे गिर जाएगा, और इस तरीके से ये जो मैग्नेटिक वाला पार्टिकल होगा वो यहाँ कलेक्ट हो जाएगा और जो नॉन मैग्नेटिक वाला पार्टिकल होगा वो यहाँ कलेक्ट हो जाएगा, और फाइनली हमारा गैंग पार्टिकल्स और ओर पार्टिकल्स क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो इस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन में गैंग पार्टिकल्स को रिमूव करने के
प्रोसेस में, ठीक है। तो जो सेपरेशन ऑफ गैंग पार्टिकल्स है फ्रॉम द ओर, वो इस सेटअप से करते हैं, और इस सेटअप को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। तो इसमें जो प्रोसेस हो रहा है उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन, जिसमें हम लोग एक्चुअली क्या करते हैं, इन दिस मेथड द पाउडर्ड ओर आर द पाउडर्ड ओर आर ड्रॉप्ड, ये एक्चुअली ड्रॉप्ड है, ड्रॉप्ड ओवर कन्वेयर बेल्ट। कन्वेयर बेल्ट पे हम लोग पाउडर्ड ओर को गिराते हैं, और फिर विच मूव्स ओवर अ मैग्नेटिक रोलर, जो मैग्नेटिक रोलर के पास मूव करता है। एज अ रिजल्ट दो चीज़ें होती हैं, मैग्नेटिक पार्टिकल्स ऑफ ओर रिमेन्स अट्रैक्टेड टूअर द बेल्ट, बेल्ट से चिपका हुआ रहता है, एंड फॉल्स क्लोज, ये चिपका हुआ रहेगा, चिपका हुआ जाते जाएगा यहाँ, और जैसे ही वो डी अटैच होगा, ये जो कन्वेयर बेल्ट इस मैग्नेटिक रोलर से जैसे ही डी अटैच होगा वो वापस से नीचे गिर जाएगा, क्योंकि कोई भी कन्वेयर बेल्ट मैग्नेटिक नहीं है जो मैग्नेटिक पार्टिकल को चिपका के रखे, तो वो मैग्नेटिक पार्टिकल को क्या होगा, यहाँ कलेक्ट हो जाएगा, और जो नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स होगा वो फॉल्स फार्दर अवे फ्रॉम द कन्वेयर रोलर ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन द पाउडर डोर। ये जो पाउडर डोर है उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट कर रहा है, जब वो यहाँ से मूव करेगा तो उस फोर्स की वजह से क्या होगा, वो इस जगह पे नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स कलेक्ट हो जाएंगे, और इस तरीके से ये नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स और ये मैग्नेटिक पार्टिकल्स सेपरेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे दो पेयर हो सकता है, मतलब दो सिचुएशन हो सकता है, या तो ओर्स मैग्नेटिक हो और गैंग नॉन मैग्नेटिक हो, या फिर गैंग पार्टिकल्स मैग्नेटिक हो और ओर्स पार्टिकल क्या हो, नॉन मैग्नेटिक हो। कुल मिला के ये चीज़ है कि गैंग और ओर्स में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में डिफरेंस होनी चाहिए, एक मैग्नेटिक होना चाहिए और दूसरा नॉन मैग्नेटिक होना चाहिए, तभी हम इस मैग्नेटिक सेपरेशन वाले मेथड से रिमूव कर सकते हैं गैंग को फ्रॉम द ओर। तो होप आप लोगों को ये टॉपिक मैग्नेटिक सेपरेशन अच्छे से समझ आया होगा। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।